सिवान के चुनावी मैदान में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन कर कविता सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खुद को मोदी भक्त बताने वाले अभिषेक साहू ने शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। अभिषेक साहू का कहना है कि वो मोदी भक्त हैं और मोदी के नाम पर सिवान से चुनाव लड़ेंगे और सिवान से जीतकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मैं तो चुनौती मानता ही नहीं हूँ, तो मैं चुनौती मानूं क्यों? इसलिए कि पूरी सिवान का जन सैलाब, मैं जहाँ जहाँ जनसंपर्क कर रहा हूँ वहाँ पे लोग उत्साहित हो जा रहे हैं कि एक युवा वर्ग तो आया, कम से कम अपने हम लोग के ख्यालों को लेके केवल सांसद तक बात ना पहुँचे, हम लोगों की बात जो है संसद तक पहुँचे। और इस युवा वर्ग में अभिषेक में संसद तक पहुँचाने की क्षमता है और उन लोगों ने देख चुका है कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे समाज में रहते हैं, कैसे सेवक के रूप में रहते हैं और सिवान के बेटा के रूप में रहते हैं। इसलिए सिवान की सम्मानित जनता के चलते इतना ज़्यादा उत्साह में हूँ कि उत्साह की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। सिवान में दो बाहुबली की पत्नी मैदान में है, ऐसे में क्या मानते हैं, कितना टक्कर होगा? दो बाहुबलियों की पत्नी, वो बाहुबली का जमाना अब चला गया है, वो सब चलने वाला नहीं है। अभी बाहुबली जो है सिवान की जनता हो चुकी है, सम्मानित जनता हो चुकी है, वो खुद बताएगी कि कौन बाहुबली है। दो पत्नियों के पति बाहुबली हैं या सिवान की सम्मानित जनता बाहुबली है। क्या मुद्दा होगा आपका लोकसभा? मुद्दा जो होगा, यहाँ का चीनी मिल जो बिक चुका है, बंद हो चुका है, सबसे पहले उसको खुलवाना। जो सरकारी स्कूल में लोग बच्चे वह अपनी पढ़ाई जो पूरी नहीं कर पाते हैं, माता पिता अच्छी पढ़ाई के कारण, उस सरकारी स्कूल को मैं प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा हाईटेक करने का प्रयास करूँगा। और जो सूता मिल यहाँ का बंद पड़ा है, इतना करोड़ों लगा के अरबों लगा के, उसको सबसे पहले खुलवाने का प्रयास करूँगा। प्रयास ही नहीं, मेरा अथक प्रयास रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, बिहार गवर्नमेंट से, सभी से प्रयास करके उसको आगे बढ़ाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी भक्त के नाम पे आप कविता सिंह के वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। ना, वोट कविता सिंह हमारा काट रही है, हम मोदी भक्त हैं। कविता सिंह वो जो हैं वो नीतीश जी के भक्त हैं, वो मोदी जी के बारे में कुछ जानती ही नहीं है कि मोदी जी क्या है। मोदी जी के बारे में हमारा, जैसे श्री हनुमान जी जो हैं राम जी का, अपना सीना जब चीरते हैं तो राम जी दिखाई देते हैं, तो जब मेरा सीना चीरा जाएगा तो उस समय मोदी जी दिखाई दे। लड़ेंगे क्या बीजेपी के चेहरे पर? लड़ेंगे क्या बीजेपी के चेहरे पर? बीजेपी का हमारे परिवार से, हमारे लोगों से सब जनसंपर्क, और बीजेपी से 40 साल 50 साल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और सिवान की सभी सम्मानित जनता वो भारतीय जनता पार्टी जानती है, और अभी भारतीय जनता पार्टी से भी जिसको नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मोदी जी को जानती है। इसलिए हम जब भी चुनाव लड़ेंगे, और ये देश नहीं झुकने दूंगा, जानूंगा कि सिवान की सम्मानित जनता उनके पक्ष में जा रही है, मेरे पक्ष में जा रही है, तो इसके प्रति वोट को कटने नहीं दूंगा। हम चाहूंगा कि कविता जी से और सभी जदयू से और बीजेपी से बोलूंगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बोलूंगा कि एक असत्य पर सत्य की विजय के लिए, जिसके में आज तक कोई लाल निशान नहीं लगा है, उसको आगे बढ़ाएं और अंत अंत तक हमें विजयी बनाएं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है बहुत आगे कुछ करने का है, शुरू से ही था, लेकिन अभी और ज़्यादा जनता की, सम्मानित जनता के जन सैलाब से उत्साह मेरा बढ़ गया।